फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाना। आज की हमारी रेसिपी है आलू की बड़ी। यहाँ पर हमने बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी यहाँ पर आलू की बड़ी बनाए हुए हैं। जो हमारे घर पर चीज़ें अवेलेबल होती है, हमने वही चीज़ें इसमें इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पर हमने दो तरीके से आपको बताए हुए है। यहाँ पर हमने शैलो फ्राई किए हुए हैं और डीप फ्राई किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपकी राय हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये आलू के पत्ते लिए हुए हैं। इसे पहले अच्छी तरह से हम पानी से धोकर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे थोड़ा हल्के गर्म पानी में धोकर लिए हुए हैं। इस तरह के जो डार्क कलर के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसलिए हमने ये वाले लिए हुए। अभी हम आपको बताते हैं इसे कट किस तरह से करना है। यहाँ पर हमने एक पत्ता ले लिया है, पहले हम इसे कट करके बताते हैं। इसे कट करने के लिए हम आपको इस तरफ से नहीं, इस तरफ से कट करना है, इस तरह से, और इसे इस तरह से सर ये करते हैं। तो देख लीजिए ये इसका निकल जाता है। अगर ये साइड में अगर ज़्यादा है जो बड़े पत्तों में होता है तो आप वो भी साइड से कट करके निकाल लीजिए। इसमें इतना नहीं है इसलिए अभी हम इसमें नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ ये पीछे साइड का जो थोड़ा थोड़ा है वो निकालेंगे। ये देखिए इसी तरह से अभी हम बाकी सब पत्तों का निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी सब निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक कप चावल का आटा, एक कप बेसन, दो हरी मिर्च को हमने जीरे के साथ में बारीक पीस कर लिए हैं, हाफ नींबू का जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा से हमने यहाँ पर तिल लिए हुए सफ़ेद तिल, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बेसन लिया है एक कप, चावल काटा, चावल काटा हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये अच्छी क्रिस्पी बनना चाहिए, इसलिए डाल रहे हैं। क्वांटिटी आप अगर चावल काटे की कम कर रहे हो तो बेसन आप ज़्यादा डाल दीजिए। यहाँ पर हम जो हरी मिर्च पीस कर रखे हुए ये डाल देते हैं, थोड़ा जाड़ा मोटा ही पीसे हुए है, नींबू का जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सफ़ेद तिल और स्वाद अनुसार नमक, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले हम इसे सूखा ही मिक्स करेंगे और आप आपके हाथ की मदद से ही इसे मिक्स करिए क्योंकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा बनता है इस तरीके से अगर बनाओगे तो, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे सूखा अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अरबी के जो पत्ते होते हैं ये आँखों की डिसीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जिन लोगों के आँखों में से पानी जाता है या तो उन्हें मतलब धुंधला अगर दिखता है कुछ है, तो अगर आप स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों का, हेल्दी चीज़ों का यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे पतला सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर नींबू पानी डालना ज़रूरी है, नींबू पानी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिन लोगों को जॉइंट पेन होते हैं, मतलब हड्डियों का, घुटनों का दर्द होता है, वो लोग इस अरबी के पत्ते को अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अपनी बॉडी के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का बैटर बना लिया, आप देख सकते हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं ना बैटर कितनी अच्छी तरह से हमने मिक्स किए हुए, देख सकते हैं आप इस तरह से, इसमें थोड़ी भी गठलियाँ नहीं है। हाथ से मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स होता है ये देखिए।
कितना बैटर अच्छे से रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। आपको सेम इसी तरह का बैटर चाहिए तो आप इजीली उसके ऊपर लगा सकते हो पत्तों के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें पत्ता कुछ इस तरह से रखना है, देख सकते हैं आप। ये बैक साइड का नहीं लेना है, ये साइड से लेना है। तो आप इसके ऊपर अभी ये स्प्रेड करते हुए लगा लेंगे इस तरह से। हमें पूरे चारों तरफ से इन पत्तों को अच्छी तरह से लगा लेना है। ये देखिए, हम कुछ इस तरह से इसे लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने नीचे का काउंटर साफ करके लिए हुए है, इस तरह से इसे स्प्रेड करते हुए लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक पत्ता रख दिया है इस तरफ से रखे हुए, तो दूसरा हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, कुछ ऐसा रखेंगे और इस पर भी अच्छे से मिक्सचर लगा लेंगे। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो अपने डेली यूज़ में खाने के अंदर ये अरवी के पत्ती की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर खाएं, नहीं तो इस तरह से वड़ी बनाकर ज़रूर खाएं, बहुत ही जल्दी वेट लॉस होगा। अगर आपके पास बड़ा पतीला है तो आप उसके ऊपर रख के लगा लीजिए। यहाँ पर मेरे पास बड़ा पतीला नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर किचन काउंटर पर ही। यहाँ पर अभी हम एक एक करके इसी तरह से लगाते रहेंगे। ये जो आलू के पत्ते होते हैं ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही जल्दी आपका जो खाना डाइजेस्ट होता है। और जिनको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, क्या जिनका खाना वगैरह डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी, वो इस तरह से आलू के पत्ते की वड़ी बनाकर ज़रूर खाए, नहीं तो आप इसकी सब्ज़ी भी बनाकर खा सकते हो। मोस्ट ऑफ ये हम जब विलेज में जाते हैं, गांव वगैरह में, तो हम इस तरीके के जो रेसिपीज़ खाते हैं तो वो बहुत ही हेल्दी होता है, और मतलब जब ठंड में हम इसे खाते हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए, यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लगाए हुए हैं हमने। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। अभी हम इसे फोल्ड करने का आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस तरह एक साइड से फोल्ड कर लीजिए इसे। ये देखिए, हमने किस तरह से इसे लॉक कर रहे हैं, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से करेंगे इसको। इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लगा लिए हमने। अभी एक साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं। ये देखिए, लॉक कर दिया हमने इसे, और इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे कितनी अच्छी तरह से फोल्ड कर लिए। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप हमने किस तरह से इसे फोल्ड किया, और इसमें हम थोड़ा से साइड से भी लगा लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से भरकर हो गया है। इसी तरह से हम बाकी सब करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये दोनों अच्छी तरह से रेडी कर दिए। इसे हम पहले भाप में पकाएंगे। यहाँ पर मैंने एक रोल जो है, आप अगर आपके पास पत्ते ज्यादा है तो आप इस तरीके 5 से 6 पत्ते लेकर इस तरह से बड़ा रोल बना सकते। यहाँ पर लास्ट का जो छोटे छोटे 4 पत्ते बचे हुए थे उसका मैंने इस तरह से बनाई हूँ छोटा। अभी हम इसे भाप में पकाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने एक ये लिए है जाली का, मेरे पास ये है। अगर आपके पास नेट का कोई बर्तन है जाली वाला, जो आप कोई बर्तन में इसे भाप पर पका सकते हो, तो आप वो ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा से तेल लगा लेते हैं। यहाँ पर हम हाथ से इसे थोड़ा से
फैलाते हुए लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये नीचे लगे नहीं। इसके लिए थोड़ा हल्का से साइड में भी लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से लगा लिए है। अभी हम ये जो एक पीस है इसे रख देते हैं यहाँ पर और दूसरे को इधर पर, और इसे हम ढककर, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक बड़े बर्तन में पानी रखे हुए, इसके ऊपर ये बर्तन रखकर इसे ढक देते हैं और 15 मिनट के लिए हम इसे भाप पर पकाएंगे और उसके बाद चेक कर आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके, अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बड़ी तो दिखने से तो लग रही अच्छे से रेडी हो गई है। उसके लिए यहाँ पर हमने एक टूथपिक लिए है, इसे हम इस तरह से डिप करके देखते हैं। ये देखिए ये चिपका नहीं है, यानी कि रेडी हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे आधे से एक घंटे के लिए पूरी अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में इसे कट करके बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, देख सकते हैं आप। अभी हम इसे कट कर लेते हैं पीसेस में। ये देखिए यहाँ पर हम इसे आहिस्ते से कट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको पीसेस में कट करके बताए हुए, जो हमने बड़ा रोल बनाए हुए थे वो ये है और जो छोटे पीस का ये है। हम आपको इसे दो तरीके से आपको बताएंगे कि आप किस तरह से कर सकते हो। एक हम यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे और एक हम शैलो फ्राई करेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तेल गरम के लिए रख दी है, अभी हम एक एक इसके अंदर डीप फ्राई करते हैं। यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब ये हम भाप में पकाकर निकालते हैं ना, तो इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है, ज्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए ये। यहाँ पर हम इसे धीमी गैस पर ही करेंगे तो अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं आप। अभी हम इसे निकाल लेते हैं, देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी बना है ये। यहाँ पर हमने जो चावल का आटा यूज किया है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है। ये देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अभी हम इसमें ये शैलो फ्राई कर लेंगे। हम
हमें इसे एक साइड से कर लेंगे, उसके बाद में हम इसे टर्न कर देंगे। ये देखिए, अभी हम इसे थोड़ा ब्राउन होने तक पकने देते हैं, लेकिन यहाँ पर धीमी गैस पर इसे हम पकने देंगे, उसके बाद चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ब्राउन हो गए हैं, हमने इसे साइड में रख दिए हैं और इसी में बीच में हम दूसरे रख देते हैं। और इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये। ये लीजिए फ्रेंड्स, आलू की क्रिस्पी बड़ी रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारी यूट्यूब चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।